Jai Hind. In this video, we will talk about note making. Basically, I am gonna talk about how to make note and what are the uses of note. So, सबसे पहले हम reef note के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले reef note होती क्या है, उसको किस तरीके से बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे उसका यूज़ क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले reef note के लिए क्या ज़रूरी है, दो रस्सियाँ छोटी छोटी. ठीक है, और रीफ नोट बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है, सेम ऑलमोस्ट सेम डायमीटर की रस्सियों के लिए. ठीक, तो जैसे मेरे पास ये दो रस्सियाँ हैं, जैसे दो अलग अलग रस्सियाँ हैं, रीफ नोट का बेसिकली जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि दो सेम डायमीटर की रस्सियों को जोड़ने के काम आती है. तो इसके लिए रीफ नोट मारते कैसे हैं ये देख लीजिए. नॉर्मली जो अपन नॉर्मल नोट मारते हैं उस तरीके से एक नोट मारी, उसी तरीके से जैसे कि पहले देखेंगे ये अगर ये वाली रस्सी इस रस्सी के ऊपर है तो जैसे ही नोट मार दी हमने तो सेम नोट दोबारा मारनी है, लेकिन याद रखना कि यही रस्सी दोबारा से इसी के ऊपर आएगी. ठीक, और हमने फिर से एक नोट मार दी. तो रीफ नोट में हमें क्या चेक करना है ये देख लीजिए. यहाँ पे ये रीफ नोट का स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा, और ये इस तरीके से ये दिख रहा है, ये रीफ नोट है. ठीक, तो रीफ नोट का जो यूज़ है वो भी मैंने इसी के साथ बता दिया. क्या रीफ नोट का यूज़ क्या होता है कि जो दो सेम डायमीटर की रस्सियाँ होती हैं उनको जोड़ने के काम आती है रीफ नोट. ठीक है, एक बार फिर करके बता देता हूँ मैं. रीफ नोट में ध्यान क्या रखना है, दो रस्सियाँ लेनी है सेम डायमीटर की. ठीक है, नॉर्मल जो अपन एक गांठ मारते हैं दो रस्सियों को वो मारी, याद रखना जो रस्सी ऊपर है पहले टाइम वही रस्सी, जैसे कि इस बार मैं देख रहा हूँ ये वाली रस्सी इस रस्सी के ऊपर रखी मैंने. ठीक, एक गांठ मार दी पूरी मैंने कंप्लीट, तो फिर से एक गांठ और मारनी है और याद रखना ये रस्सी फिर ऊपर आएगी और नॉर्मल वही नोट मार देनी है. और जैसे आप ये कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा. ये क्या है, रीफ नोट. यूज़ क्या है, दो सेम डायमीटर की रस्सियों को जोड़ने के काम आती है. इसके अलावा अब एक नेक्स्ट नोट और बता देता हूँ इसी के साथ, ईजी है. उसको बोलते हैं फिगर ऑफ एट. फिगर ऑफ एट बेसिकली किसकी वजह से होता है, उसका शेप जो है वो एट के जैसे दिखता है जैसे वो नोट बन जाएगी. तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये रस्सी है नॉर्मली एक बार उसके पीछे से एक बार उसके मतलब जैसे कि आपने पीछे से रस्सी ले गए एक बार आगे से और उसके बाद उसको ये जो बीच में जो आई बनी थी स्टार्टिंग में इसके अंदर से निकाल दिया. अब देखो ये दिख रहा है एट के जैसे, इसलिए क्या है फिगर ऑफ एट. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है. नॉर्मल हमारे पास एक रस्सी है, एक आई बन गया. अगर ये पीछे से है, इस बार देखो ये जैसे अगर इस साइड है तो इस बार जो ये जो राउंड होके आएगा वो दूसरी साइड से आएगा. ठीक, इसके दूसरी साइड ये देख लीजिए, दोनों में आप दिख रहा होगा एक बार ऊपर एक बार नीचे. और जैसे ही ऊपर और नीचे आया उसके बाद ये जो आई है इसके अंदर से इसको निकाल देना है और ये हमारे पास क्या बन गया, फिगर ऑफ एट. ठीक, ये एट के जैसे दिखता है और इसका काम क्या होता है, अनरिविंग ऑफ रोप फ्रॉम आई और ब्लॉक. जैसे शिप वगैरह पे जो आई होती है इस तरीके की शेप की होती है या फिर कुछ ब्लॉक हो गया तो उसके अंदर से अगर वो रस्सी निकालते हैं. ठीक है, तो जो फिगर ऑफ एट है उसका काम क्या होता है, वो इस रस्सी को निकलने नहीं देती है, वहीं पे स्टॉप कर देती है. तो ये इसका क्या है, फिगर ऑफ एट का यूज़. और एक बार फिर बता देता हूँ बनाना कैसे है. नॉर्मल ये देखो एक बार इसके ऊपर ये देख लीजिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे. ठीक, इतना काम करने के बाद नॉर्मल देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे और जो इधर वाली जो आई है फर्स्ट इसमें से इसको निकाल देना है. ये हमारे पास क्या बन गया, फिगर ऑफ एट. ठीक है,